किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चाले चल के शहरों के नाम बदल के नोटों को कचरा देंगे और हर निर्धन को चल दे, कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो, धोखा नहीं खाएंगे। सरकार अब ऐसी आए जो सबको दे दे जाए, उन्नति हो, हो प्रगति हो, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, ही प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को पुनः प्रचंड बहुमत से विजय बनाकर लोकसभा चुनाव जिताने के निमित्त आज बशीरातगंज गणेशगंज वार्ड के अंतर्गत सराय फाटक चौराहे पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन क्षेत्रीय पार्षद उपसभापति श्री गिरीश गुप्ता जी के संयोजन में किया गया। सभा को मुख्य अतिथि के रूप में युवा हृदय सम्राट और युवा भाजपा नेता श्री नीरज सिंह ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि आज लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण संयंत्र के लिए जाना जाता है। लखनऊ के सुगम आवागम के लिए पुल का निर्माण कराया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। माहौल गर्म है और किस्सा कुर्सी का है। नुक्कड़ सभाएं चल रही है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की इसी तरह नुक्कड़ सभाएं चल रही है। हमारे साथ लखनऊ मेयर सुषमा खड़कवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राजनाथ सिंह जी के पुत्र पंकज जी को भी यहां उपस्थित होना था पर किसी कारणवश वो यहां नहीं आ पाए हैं और अभी जैसा मैसेज मिला है कि 5-10 मिनट में पहुंच रहे हैं। फिलहाल हमारे पास साथ लखनऊ मेयर सुषमा खड़कवाल जी हैं। इस बार माहौल गर्म है, किस्सा कुर्सी का है और 400 के पार का या 500 के पार का नारा है, तो क्या कुछ आपके पास है जो भारतीय जनता पार्टी जो इसमें जनता को लुभा रही है, कैसे आगे बढ़ेगी? हमने काम किया है और पार्टी ने 14 से 2024 के बीच में आप देखिए एक एक काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से जन्म लिया है तब से दो ही काम पे आगे बढ़ी है, राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि। राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले है और आपने देखा होगा, आप 14 से उठा लीजिए सारे कार्यक्रम, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने किस तरीके से काम किए हैं। हमारे रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ में, वो यहाँ के एक सांसद नहीं, वो अभिभावक है लखनऊ के, जिस तरीके से वो लखनऊ वालों को प्यार करते हैं। और इन्होंने सदैव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना लखनऊ के लिए देखा था, उस सपना को साकार हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। मैदान में और भी लोग उतरे हुए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी रविदास जी हो, लखनऊ से विधान आपके राजनाथ सिंह जी लड़ रहे हैं, तो कितना ये अहम लड़ाई है, मुस्लिम वोट कितना अहम है? देखिए, जो मुस्लिम देशभक्त होगा वो जरूर हमें वोट देगा। भाई, आप जिस देश में रहते हो उस देश की पूजा तो करनी है हमको भी, जो भी है देशभक्त मुस्लिम जरूर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और आज जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया है, 3 तलाक वाला मैटर में बिल्कुल स्पष्टता दिखा दी है कि यहाँ ये महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से मुस्लिम का 100% वोट हमारे पास है। बेंगलोर में प्रियंका गांधी ने मन से कहा कि जो मंगलसूत्र हमारी माँ पहनती थी वो देश के लिए उसने कुर्बान कर दिया, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कांग्रेस लूटने का काम कर रही है, तो उस पर टिप्पणी प्रियंका गांधी जी ने करी कि हमारी माँ ने देश के लिए कुर्बान कर दिया था मंगलसूत्र, वो कोई नहीं देखता, इस पर क्या कहना है? जो सेना में बॉर्डर पे सेना कुर्बान हो रही है वो मंगलसूत्र नहीं है। मैं सैनिक परिवार से हूँ, मेरा पूरा परिवार सेना में है, मेरे तया ससुर स्वतंत्र सेनानी है, वो कुर्बान नहीं है। आप अगर चलते चलते कोई एक्सीडेंट या कोई आतंकवाद हो जाता है उसको आप कुर्बान करते हैं, कुर्बानी उनकी है जो शहीद है बॉर्डर पे कुर्बान हो रहे हैं, जिन्होंने अपना छोड़ा है, घर गांव छोड़ करके वहां शहीद हुए हैं, वो कुर्बान हुए हैं। और उन शहीदों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है,
हम सेना परिवार से हैं। पहले जब कोई सैनिक मरता था, शहीद होता था उसमें बॉर्डर पे, तो उसका एक बक्सा होता है जहाँ पे उसका नाम नंबर नाम और उसका यूनिट नंबर लिखा रहता है। वो बक्सा पैक करके, कपड़ा पैक करके उसके घर पहुंचता है। अटल मान्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बने, कारगिल जब हुआ, उसके बाद एक एक शहीद की बॉडी उनके घर पहुंची है, परिवार ने अंतिम दर्शन किए हैं। योजनाएं, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका व्यक्तित्व जो भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में नहीं है, आज चंद्रमा में भी शिव शक्ति के रूप में अंकित है। बाकी मान्य योगी जी का जो शासन का लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, नई नई परियोजनाएं अब इस उत्तर प्रदेश के अंदर प्रस्तुत हो रही हैं, और साथ ही साथ माननीय राजनाथ सिंह जी का जो 50,000 करोड़ का कराया गया कार्य लखनऊ की पूरी दशा और दिशा को बदलने का काम कर रहा है। वर्ग को हम नहीं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी चार नीरज जी, प्रियंका जी का कहना है बेंगलोर से मंच पे कि हमारी माँ ने जो है प्रमाण किया है मंगलसूत्र देश के लिए, आपका क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी किसको इशारा कर रही है, किधर क्या क्या कहना है? मुझे लगता है कि उन्होंने सब कुछ अपने परिवार को ही देने का काम किया है। जितनी भी आज तक परियोजनाएं रही, केवल उनकी माँ ने ही सेक्रीफाइस नहीं किया, पूरे जो सेनानी है, इतने वीर शहीद जो हुए हैं, उनके नाम की एक परियोजना आपको नहीं दिखेगी, सारी की सारी परियोजना गांधियों के नाम पर। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी अलग अलग समाज की आवाजें थी, उनको कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। उनका कहना है कि राहुल गांधी जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये स्मार्ट इंडिया, यहाँ पैदल चलकर काम करना होता है, पर राहुल गांधी जो है जो एनडीए की बारात, पूरी बारात लेके चल रहे हैं, दूल्हा अंदर चला जाएगा, भेल बकरी बाहर रह जाएंगे, किसको इशारा कर रहे हैं? दूल्हा अंदर चला जाएगा। मुझे लगता है कि ओबीसी जी की बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, यह एक कुनबा बनाने का इन्होंने प्रयास किया, आखिर में वो अपनी उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हुए, फिर अलग अलग भाग खड़े हुए। देखिये, हर कोई जानता है कि इस भारत माता का सच्चा सपूत कौन है। 24 घंटे 365 दिन खपाने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने न अपने लिए काम किया है, न अपने परिवार के लिए। माहौल भी गर्म है, किस्सा कुर्सी का, लड़ाई बड़ी जबरदस्त चल रही है, इस बार कहां से कितने ज्यादा वोट बैंक हैं, थोड़ा सा बता दें। देखिए, सभी क्षेत्रों से इस बार तो साउथ की उन राज्यों से भी जहां पर हमारा अभी तक खाता भी नहीं खुला था, वहां पर भी हम डबल डिजिट वोट परसेंटेज पाने वाले हैं। ये 400 का आंकड़ा बहुत 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 धन्यवाद नीरज जी। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाए, सब लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।